ऑलिम्पिक सारख्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत खेळाडूंनी कोणतेही दडपण न ठेवता आपली सर्वोच्च खेळी करण्याचं आवाहन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केलं. टोकियो इथं पुढल्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठीच्या भारतीय खेळाडूंची पहिली तुकडी आज रात्री रवाना होत आहे. या खेळाडूंना औपचारिक निरोप देण्यात आला त्यावेळी ते बोलत होते. या कार्यक्रमाला राज्यमंत्री निसित प्रामाणिक उपस्थित होते. ये मौका हर किसी के जीवन में नहीं आता. 130 करोड़ भारतीयों में हम गिने चुने जिनको ये अवसर मिल रहा है. बहुत बड़ा पल है और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जिंदगी की असली उड़ान बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान बाकी हैं. अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन तुमने, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है. कोई अपने ऊपर बोझ ना ले, बड़े मन के साथ जाए. और मैं तो ये कहूंगा कर मैदान फतेह, फतेह होता है जीत, कर मैदान फतेह हर मैदान फतेह. तो जहां भी जाए तिरंगा लहराएं, जीत कर आए, लेकिन दबाव के साथ ना जाए. तो आसमान को छूने के लिए, तिरंगे के मान सम्मान के लिए जाइए, पूरी उम्मीदों को पूरा करने के लिए, पूरे अरमान को पूरा करने के लिए. पूरा देश आपकी ओर देख रहा है और दुनिया भी आपकी ओर देखेगी. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. आज रवाना होत असलेल्या पहिल्या तुकडीत 8 क्रीडा प्रकारांच्या 54 ऍथलीट्ससह 88 जणांचा समावेश आहे. टोकियो ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी 127 भारतीय ऍथलेटिक्स पात्र ठरले असून ही विक्रमी संख्या आहे. याआधीच्या रिओ ऑलिम्पिक स्पर्धेसाठी 117 खेळाडू पात्र ठरले होते.